सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल के वीडियोस के लिए हम थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो चैनल बनाया था उसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो थंबनेल है ये बिल्कुल ही घटिया थंबनेल लग रहा है, तो इसे आपको प्रोफेशनल बनाना है। तो उसे कैसे हम बनाएंगे इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कैनवा सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो पिक्सार्ट में भी बना सकते हो, पिक्सार्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कैनवा सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा एक थंबनेल बनाने के लिए। चलिए मैं कैनवा को ओपन करता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल का एक यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर सी ऑल पे उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम YouTube चैनल थंबनेल के सी ऑल पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, सिंपल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ब्लैंक अगर लेंगे तो आप खुद से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आपको इतने सारे जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं थंबनेल के, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब गाइस कॉपीराइट फ्री है, आप बिंदास इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी लोगो ले लीजिए, थंबनेल ले लीजिए, तो मैं यहाँ से ही कोई एक उठा लेता हूँ और उसे कस्टमाइज़ करके अपने चैनल के वीडियो पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे पसंद आया, तो इसे मैं ओके करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये लोगो है मेरा, ये थंबनेल है, ठीक है। तो इसे जो है मैं टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ मेरे हिसाब से, जो टेक्स्ट आपको मॉडिफाई करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पर एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट आपको एक बार उस पर क्लिक करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है, और आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे का देख सकते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए मेरे टाइटल में, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है वो मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सिंपल क्लिक करना है उस पर, एडिट पे जाना है और रिमूव यहाँ से कर देना है, और नीचे आपको डिलीट वाला भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है किसी चीज़ का, तो इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट उस पर क्लिक करना है, नीचे डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है आपको, और फिर डिलीट एलिमेंट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर वो लोगो जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं उसे डिलीट, इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिलीट एलिमेंट पे क्लिक कीजिए, और आपका जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, आप देखिए ब्लैंक हो गया। अब इसके जगह पे हम अपना लोगो लगाएंगे, इसके लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी में जाना है, जहाँ पर भी आपकी इमेज होगी। तो मेरी गैलरी में है, वो मैं गैलरी में से ले लेता हूँ। तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ गैलरी में, और मेरी जो इमेज है वो यहीं पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं ये वाली। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। इसके बाद आपको इसे जूम करके, छोटा करके, बराबर इसके फिट में लेके आ जाना है। तो हम चलिए इसे रख देते हैं बराबर इसको। तो ये आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप सब कुछ इस इमेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है कैनवा, इससे आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल आप इससे बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है, इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल। देखिए गाइस, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने फटाक से यहाँ पर एक थंबनेल बना दिया। यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा, अगर आप सब कुछ एडिट करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहो आप कैनवा से ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने फास्ट यहाँ पर काम किया है। चलिए अब उस थंबनेल को देख लेते हैं, ये रहा मेरा थंबनेल। चलिए अब इसे हम अपने यूट्यूब वीडियो पर लगाते हैं, तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते अपने यूट्यूब स्टूडियो में, इसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे, और एडिट बटन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से, सिंपल। कस्टम थंबनेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप आ जाओगे गैलरी में। तो यहाँ से हम अपना जो थंबनेल ले लेते हैं, सेव कर देते हैं सिलेक्ट करके, ओके। अब सेव कर दीजिए, और जैसे आप सेव करोगे आपका जो थंबनेल है वो अपडेट हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, तो पहले वाले से तो लाख गुना अच्छा लग रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है वो कस्टम थंबनेल इससे अप्लाई कर सकते हो अपने YouTube वीडियोस में। ऐसे आप स्टाइलिश थंबनेल बनाओ कि कोई भी आपके वीडियो का थंबनेल देख ले तो वो एक बार क्लिक करके आपके वीडियो को ज़रूर देखे। तो ये थंबनेल इसी काम आता है कि वीडियो पे हमें जो है वो क्लिक्स अच्छे मिलते हैं, अगर आपका वीडियो कैची होगा
थंबनेल तो ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप थंबनेल लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।